अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नवीद व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, पहले तो माजरत, काफ़ी दिनों बाद आपसे हाजिर हूँ। एक तो मेरा आज जो कैमरा मैन होता है, कैमरा तो नहीं है पर मोबाइल है, और मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। बैक कैमरा खोला हुआ है लेकिन कन्फर्म नहीं है कि सही है या नहीं है, लेकिन आवाज़ क्लियर होगी। तो अगर आपके पास आवाज़ क्लियर ना हो तो आपने लाजमी इसको इग्नोर कर देना है। बहरहाल काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, माजरत, कुछ हालात, कुछ काम, कुछ मसरूफियात ऐसी थी, क्योंकि आपको पता है कॉलेज है, न्यू दाखिले स्टार्ट होते हैं तो बंदा इंसान मसरूफ़ हो जाता है। तो इसलिए माजरत, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि 50 मिनट फैकल्टी पर वीडियो बनाएं, 50 मिनट फैकल्टी पर वीडियो बनाएं। मैंने व्लॉग साथ ऐड करने हैं, अभी प्रॉपर ना व्लॉग्स को टाइम दे रहा हूँ ना इस चीज़ पर टाइम दे रहा हूँ। तो इसके लिए दिल्ली मदद करूँगा आपके साथ, क्योंकि मेरिट लिस्टें लगी हैं, उसके बाद नए दाखिले भी हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको आगाह नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। बहरहाल अब जो बेसिक चीज़ें आज मैं बात करूँगा, बाकी आप जो कमेंट्स करेंगे उस पर आपने कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको हर एक कमेंट्स का, अब डेली की 4 से 5 वीडियो बनाऊंगा, मतलब सुबह 3 से 4 घंटे के जितने कमेंट्स होंगे, उसके अगले 3 से 4 घंटे के जितने कमेंट्स होंगे, तो अब प्रॉपर इस चीज़ को आप टाइम देना, इंशाल्लाह 1 घंटा बैठेंगे डेली आप और मैं। अगर लाइव आना पड़े तो लाइव भी आएंगे, ताज़ा कमेंट्स अगर लाइव आना है तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। बहरहाल पंजाब म्युनिसिपैलिटी, फार्मेसी काउंसिल, ये तो दो आसान सी चीज़ें हैं, इस पर तो नो कम्प्रोमाइज़, इस पर तो मैं आपको प्रॉपर अपडेट देता रहूँगा दोनों बोर्ड्स की। अब चंद एक बातें कर लेते हैं, बाकी तफसीली वीडियो आपको कमेंट्स के बाद ही मिलेगी। जो भी कमेंट्स करेंगे लिस्टों के बारे में आपने बता पूछना है, बाकी कोई भी चीज़ें आपने पूछनी है तो मैं आपको आगाह करूँगा। पर जो इस वक्त लिस्टों की बात करें, वो 15 फरवरी को दोबारा फाइनल होनी है। क्यों फाइनल होनी है, किसका नाम है, किसका नहीं है, अगर ये भी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा तो वो अभी आपने कमेंट्स करना है। जो दूसरी चीज़ है, पेपर कब होने हैं पंजाब म्युनिसिपैलिटी के पेपर, प्यारे भाई जान पेपर होने जा रहे थे, हाल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे लास्ट में पेपर होते थे फैब में या फैब के एंड में हफ्तावार जो आता था उनके पेपर हो जाते थे, फिर कोरोना की वजह से हालात आगे पीछे चले गए। अब सेक्रेटरी पंजाब म्युनिसिपैलिटी ने तो कहा था स्टार्ट में कि मैं पेपर दोनों के इकट्ठे लूँगा, मतलब वही पुराना बैच पुराना शेड्यूल जारी करूँगा, तो उसकी वजह से वो सारी तैयारियाँ भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अचानक हालात आपके सामने हैं पंजाब के हालात, जैसे ही जब तक बेहतर नहीं होते तो पेपरों की कोई डेट नहीं आएगी। वो हालात कब बेहतर हों आपने अपने MPA MLA से पूछे, वो फिर ऊपर से पूछेंगे क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ये तो आपको सियासी लोग भी बता सकते हैं, लेकिन जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक कोई पेपर नहीं होंगे। तो आपका भी फोकस पेपरों पर तो रखें पढ़ें, लेकिन डेट पर मैसेज ना करें कि कब होंगे, कब हर बंदे से पूछ रहा होता है, कोई जून का कह रहा होता है, कोई मार्च का कह रहा होता है, क्योंकि लोग तो इतबार कर लेते हैं, फिर कहते हैं यार शायद उन्होंने तो ऐसा कहा था शायद कैंसिल कर दियो। तो ये चीज़ें आप जब तक हालात बेहतर नहीं होते, ना सप्ली वालों के पेपर आएंगे ना दूसरों के पेपर आएंगे, मतलब जो रेगुलर 21 से 23 है। बाकी फार्मेसी काउंसिल के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो भी बताइएगा, उनके बैच भी अभी उन्होंने कहा था हम असिस्टेंट के फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर लेंगे, उसके बाद हम लेंगे इसका रेगुलर जो 21 से 23 बैच है उनके पेपर लेंगे। अभी ये तकरीबन पंजाब मेडिकल फैकल्टी 2 से 3 माह ले जाएगी, फार्मेसी 4 से 5 माह और ले जाएगी, उसके बाद ही फाइनली आपको पता चलेगा कि पेपर कब होंगे कैसे होंगे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊँगा। पर ये एक आज की खास वीडियो, एक चंद वीडियो, मतलब चंद एक मिनट की समझें या इसको इग्नोर समझें या फजूल समझें वो आप लोगों पर है, लेकिन आज की अपडेट यही है कि इंशाल्लाह हर एक वीडियो का, हर एक कमेंट्स का मैं आपको जवाब दूँगा। शुक्रिया।